हेलो एवरीवन गाइस, जैसा तुमको मालूम है कि लाखों छात्र तैयारी करते हैं फॉर द जेई प्रिपरेशन, बट प्रिपरेशन के दौरान होता क्या है, कई बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो डाउन होने लगता है, क्योंकि उनकी जो प्रिपरेशन है वो क्या डाउन हो रही होती है। अब प्रिपरेशन डाउन होने के काफ़ी ज़्यादा रीजन्स हो सकते हैं, जैसे उनको कोचिंग में समझ में नहीं आया होता है, या कोचिंग में सिलेबस काफ़ी फास्ट हो जाता है, या फिर वो अपनी सेल्फ प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ना जाने कितने कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स का लेवल डाउन होता है, और कहीं ना कहीं माइंड में सिर्फ एक ही डाउट आता है, क्या अब जो हमारे पास टाइम रिमेनिंग है, क्या उस बचे हुए टाइम में क्या अभी भी जेई 2023 पॉसिबल है। तो यार देखो, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है एक स्टूडेंट के लिए। देखो, एक स्टूडेंट होता है जिसके पास 4 मंथ का टाइम बचता है, एक स्टूडेंट होता है जिसके पास 3 मंथ का ओनली टाइम बचता है, एक स्टूडेंट होता है जिसके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम बचता है। तो ऐसी काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन आती हैं सामने, स्टूडेंट्स के पास एक अलग अलग टाइम की जो ड्यूरेशन है वो बची रहती है। तो यार देखो, अगर तुम्हारे पास जो भी ड्यूरेशन बची हुई है, चाहे वो तुम्हारी 3 मंथ की हो, चाहे वो तुम्हारी 4 मंथ की हो, चाहे वो तुम्हारी 2 मंथ की हो, तो अब देखो इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम उस जगह क्या कर सकते हो फॉर द जेई एग्ज़ाम। तो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर तुमको अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है और तुम्हारे पास टाइम कम है और तुम पढ़ना चाहते हो और क्रैक करना चाहते हो, तो यार तुम्हारे पास ऐसा तुम कर सकते हो कि तुम्हारा एग्ज़ाम क्या क्रैक हो जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। तो यार इसके लिए तुमको क्या 3 पॉइंट्स डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। अगर तुम इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो तुम डेफिनेटली काफ़ी हद तक अपने एग्ज़ाम को क्या ईजिली क्रैक कर पाओगे। तो अब यहाँ पर बात आती है वो क्या पॉइंट्स हैं। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट तुम फॉलो कर सकते हो, दैट इज़ योर सिलेबस। तो देखो, सिलेबस को मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओवरऑल कंप्लीट करते हैं, मतलब 100% सिलेबस कंप्लीट करते हैं। बट यार तुम्हारे पास अगर टाइम कम है, तुम्हारे पास इतना टाइम ड्यूरेशन नहीं बचा कि भाई तुम सारे टॉपिक्स पर फोकस कर पाओ, तो वैसे सिचुएशन में तुम क्या कर सकते हो, ओनली 70% सिलेबस पर ही फोकस करो। देखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए कि भाई तुम 100% सिलेबस पढ़ के 70% मार्क्स लेके आओ, ऐसा बिल्कुल करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम 70% पढ़कर 70% भी मार्क्स ले आओगे ना, तो तुमको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तुम्हारा सिलेक्शन बहुत अच्छी जगह हो जाएगा। तो देखो, फोकस करना है कि भाई तुम 70% सिलेबस को पढ़ो और वो 70% तुम्हारा इन डेप्थ हो। अगर तुम उस 70% सिलेबस को इन डेप्थ करोगे तो फिर तुम डेफिनेटली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। अब देखो, जब तुम क्वेश्चंस वगैरह को प्रैक्टिस करते हो तो उसको काफ़ी अच्छे से उसकी क्या है बेस कंडीशन तक जाओ। देखो, अगर तुम बेस तक जाओगे तो तुम उसके आंसर्स को क्या है लेके आ पाओगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम कोई फॉर्मूला कर रहे हो, कोई फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कहीं हो रहा है, तो उस फॉर्मूले को तुम ये चेक करो कि भाई वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई हुआ, क्यों उसको अप्लाई किया गया, उसके लिए कौन कौन से डेटा दिए गए थे, तो वो सारी चीज़ों को तुमको क्या एनालिसिस करना होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम जब 70% सिलेबस कर रहे हो, तुमको मालूम है कि 70% कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि भाई तुमको ज़रूरी है उस जगह कि भाई इन डेप्थ उन टॉपिक तक जाना, क्योंकि देखो अगर तुम उन इन डेप्थ टॉपिक तक नहीं जाओगे तो फिर तुमको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और देखो, 70% सिलेबस अगर तुम करना चाहोगे 3 से 4 महीने में, तो तुम्हारा डेफिनेटली आराम से हो जाएगा। अब देखो, इंपॉर्टेंट ये है कि भाई देखो, नॉर्मली बच्चा क्या करता है, 4-5-6 घंटे पढ़ा करता है। अगर तुम देखो इसी समय क्या है 8 आवर 10 आवर 12 आवर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, तो यार तुम उस 70% सिलेबस को काफ़ी ईजली और काफ़ी कम टाइम में कर पाओगे। अब देखो, इस जगह क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, काफ़ी अच्छे क्या करते हैं कि भाई 500 क्वेश्चंस कर रहे हैं, 600 कर रहे हैं चैप्टर में, अरे यार ये करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुमको क्या करना है, अब तुम्हारे पास तुमको मालूम है भाई टाइम कम है, तो यार तुम्हें एक क्राइटेरिया बनाओ कि भाई तुमको जो भी तुम चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे तुम कोई एक यूनिट पढ़ रहे हो, तो तुम एक यूनिट के लिए सेट कर लो कि मुझको क्या है उस यूनिट के 200 क्वेश्चंस कर लेने हैं। अब जैसे तुमको मालूम है तुम अगर फिजिक्स कर रहे हो तो भाई उसमें यूनिट्स तुम काउंट कर लो, तुम केमिस्ट्री कर रहे हो तो उसमें यूनिट काउंट कर लो, तुम मैथ कर रहे हो तो उसमें यूनिट काउंट कर लो, और उन यूनिट्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस की क्या लिमिट लगाओ। और देखो, चैप्टर वाइज बुक मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं फॉर द ऑल सब्जेक्ट्स। अब जैसे तुम्हारा फिजिक्स है, केमिस्ट्री एंड मैथ्स है,
तो यार अगर तुम चैप्टर वाइज बुक ले लोगे और उसमें से 100 क्वेश्चन का टारगेट बना लो, 200 क्वेश्चन का टारगेट बना लो, तो यार तुम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर तुमको लगता है कि भाई तुम्हारे पास क्या है, सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है तुम जिस समय इस वीडियो को देख रहे हो, तो यार उस जगह तुम क्या है 200 के टारगेट को हटा के तुम क्या कर लो, केवल 100 क्वेश्चन का टारगेट बना लो। तो देखो यार ये डिपेंड करता है कि भाई तुम्हारे पास कितना टाइम ड्यूरेशन बचा है। अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा ड्यूरेशन बचा है तो यार तुम 200 का क्वेश्चन का टारगेट बना लो। अगर तुम्हारे पास क्या थोड़ा कम ड्यूरेशन है तो भाई तुम क्या 150 क्वेश्चन का बना लो टारगेट। अगर तुम्हारे पास क्या है और भी कम टाइम तो भाई 100 क्वेश्चन टारगेट बना लो। अगर तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है तो यार तुम 50 क्वेश्चन का टारगेट बना लो। अगर बहुत ही कम है, जैसे किसी पास एक ही महीना बचा हुआ है जिस समय तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो यार अपने अकॉर्डिंग तुम एक टारगेट सेट कर लो कि भाई मैं इतने क्वेश्चंस को इजीली कर पाऊंगा। अब देखो जब तुम टारगेट बना लोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा कि भाई तुम उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो कर पाओगे। अब देखो एक चीज़ ये तुमको ध्यान रखना है, जो तुम 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन जो टारगेट बना रहे हो उसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन हो, इजी क्वेश्चन भी हो, मॉडरेट भी हो, टफ भी हो। तो यार जो तुम्हारी चैप्टर वाइज बुक होती है उसमें ऑलरेडी मेंशन होता है कि भाई किस लेवल पे क्वेश्चन है, लेवल 1 करके क्वेश्चन दिए जाते हैं, लेवल 2 करके क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तुम अगर प्रिपरेशन करोगे तो तुम वहाँ से काफ़ी अच्छा अपना रिजल्ट क्या है निकाल पाओगे। और ये सबसे बेस्ट अप्रोच होती है फॉर दोज स्टूडेंट हु आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल। तो यार जिन्होंने भी अच्छे से तैयारी नहीं की है उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। अब देखो ये तो बात हो गई कि भाई तुमको क्या है अपना 70% सिलेबस कर लेना है, ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट का। तो सेकंड पॉइंट तुम्हारा ये है कि जो भी तुम पढ़ रहे हो एक ये अपने आप से टारगेट बनाओ कि भाई उस उन चीज़ों का तुमको कम से कम 3 बार रिवीजन देना है। एक चीज़ समझो, कम से कम 3 बार रिवीजन देना है और उसी के अकॉर्डिंग टारगेट बनाओ। देखो 3 बार रिवीजन देने से देखो क्या होता है कि वो चीज़ें हमारे माइंड में बस जाती हैं। और देखो जो तुम्हारा पढ़ने का थोड़ा पैटर्न है उसको तुमको चेंज करना पड़ेगा। देखो काफ़ी बच्चे क्या सोचते हैं कि यार एक बार हम पढ़ेंगे और दिमाग में आ जाएगा, तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार पढ़ने से चीज़ें माइंड में सेट नहीं होती हैं, ये बिल्कुल 100% श्योर है। तुम कितने भी बड़े इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर तुम सोचते हो भाई तुम एक बार पढ़ लोगे और तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा, तो यार नहीं होने वाला है। देखो सपोज करो तुम कोई भी टॉपिक आज पढ़ रहे हो, तुमने डिसाइड किया कि भाई मैं ये यूनिट तैयार करूंगा और इस चैप्टर को तैयार करूंगा, तो यार आज तुम पढ़ो, फिर नेक्स्ट डे तुम क्या फिर से पढ़ोगे उस यूनिट को? क्योंकि यार यूनिट क्या है, सिंगल डे में तैयार नहीं होती है, उसके लिए 2 से 3 दिन का समय तुमको लग जाएगा। तो तुम क्या फर्स्ट डे पढ़ो जो भी तुमने पढ़ा हुआ है, उसको सेकंड डे पे रिवीजन दो, एंड तुमको आगे फिर से और आगे सिलेबस लेके जाना है। फिर जब तुम थर्ड डे पे न्यू सिलेबस पढ़ोगे तो फिर से तुम फर्स्ट डे और सेकंड डे का रिवीजन दो, और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रखो जब तक तुम्हारा वो यूनिट कंप्लीट नहीं होता है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे माइंड में वही चीज़ें बार बार रिकॉल होंगी और तुम उन चीज़ों को क्या काफ़ी अच्छे से कर पाओगे। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है फॉर द रिमेंबरिंग ऑल क्वेश्चन। तो यार ये चीज़ तुमको क्या बहुत अच्छे से आगे लेके जाएगी। और यार तुम्हारे पास लास्ट पॉइंट है, वो है तुम्हारा एनालिसिस। देखो लास्ट पॉइंट तुमको एनालिसिस करना है कि भाई जो तुम्हारे क्वेश्चन तुमको नहीं आए थे उसको क्या करना है, तुमको पेंसिल से टिक कर लेना कि भाई ये क्वेश्चन मुझको नहीं आए थे। अब देखो टिक करने से क्या होगा, तुमको ये पता होगा कि भाई ये क्वेश्चन क्या थोड़ा अलग टाइप के हैं, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के हैं, तो इन क्वेश्चन पे मुझको क्या करना है फिर से एक बार अगेन फोकस करना। जब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ने के लिए बैठेंगे, जब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो यार उन क्वेश्चन पे थोड़ा स्पेसिफिक जोड़ देंगे हम, थोड़ा उसको देखेंगे कि भाई ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुए थे, इन क्वेश्चन को हमको करना है। और यार एक चीज़ ये भी समझ लो कि अगर कोई चीज़ अलग यूज हो रही है तुम्हारे क्वेश्चंस में, अगर जैसे सपोज को तुमने कोई क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, कुछ अलग कॉन्सेप्ट तुमको मिल रहे हैं, तो यार उसके लिए एक नोटबुक बनाओ, फिजिक्स का अलग बनाओ, केमिस्ट्री का अलग बनाओ, मैथ का अलग बनाओ, उसमें नोट करो कि भाई फिजिक्स में ये चीज़ हमको नई सीखने को मिली जो अभी तक हमने कोचिंग वगैरह में या अपना जो भी हमने कोचिंग पढ़ाया या ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाया या ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ाया, जो भी पढ़ाया उसमें हमने जो है चीज़ें जो भी किया था उसमें से हमको क्या चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं, जो चीज़ें एक्स्ट्रा मिल उनको लिए नोट करो। जब तुम इस तरीके से करोगे फॉर द ऑल सब्जेक्ट तो तुम डेफिनेटली एक बहुत अच्छा रैंक लेके आओगे और तुम क्या है कम टाइम में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लेके आ पाओगे। और कुछ भी तुमको यार प्रॉब्लम होती है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और ऐसे वीडियो देखने के लिए तुम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जिससे तुमसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। एंड थैंक्स वॉचिंग अवर वीडियो।